बाकी और कोई भी यहाँ पे इंडियन काम नहीं करता। एंड ही इज टू इट, हाइज टू इट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं दिखाऊंगा कभी कभी कितना हेक्टिक डे रहता है। लोगों को दिखते हैं कि भाई क्लब जा रहे हैं, एंजॉय मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं। आज देखा, आज फिर भी मैं कह सकता हूँ ठीक है, क्योंकि आज मुझे सुबह उठ के अपना खाना नहीं बनाना, बिकॉज मेरी जो शिफ्ट है आज वो छोटी छोटी हैं, दो हैं, चार चार घंटे की। अभी टाइम हुआ है 8:25 और मेरी शिफ्ट है 9 बजे। ऑलरेडी मैं लेट हूँ, बट है लोग कहते हैं कि भाई बदल गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। दूध पी के जाऊँगा, वहाँ पे एक ब्रेक में अपने ब्रेकफास्ट खाऊँगा और एक बार बना लूँ। मैं रख कह रहा हूँ सीधा उसको अपने बैग में, कभी जल्दी जल्दी भूल ना जाऊँ। वैसे होना चाहिए नाश्ता सबसे हैवी, बट नाश्ता रहता है सबसे लाइट। टाइम नहीं होता, हम लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं। तो अब मैं फटाफट दूध पी के, टाइम हो गया 8:35, इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ 8-9 मिनट मेरे को जाना है वॉक से। मैं चलता हूँ अपने पहले शिफ्ट पे, दिखाता हूँ आज कितनी दूर है। और फिर ज़्यादा दूर तो नहीं है, मेरा वॉकिंग डिस्टेंस भी है। यहाँ ऑलमोस्ट बारिश चलती रहती है पूरा दिन, बादल अभी भी हैं। लोग ना ये कहते हैं कि भाई यार लोग यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ के बदल गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। हाँ भाई, यहाँ के बदल जाते हैं लोग, यहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि अपना काम करना है, खुद उठना है, सब कुछ समेटना है, कल आगे काम के लिए जाना है, अगले आने वाले शिफ्ट के लिए तैयारी करनी है, या सामान घर से लेके जाना है आने वाले शिफ्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं दिख पाती। शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिखाऊँ, जो लोग कहते हैं कि चेंज हो गया अपना आइडम का, जो लोग कहते हैं चेंज हो गया, तो उनका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। मे बी आई विल ट्राई टू शो दैट। हाथ थक गया, ऐसे तो मैं थका ही हुआ हूँ पूरा का पूरा। कि कल मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं आया था 4 बजे रात को घर वापसी, और अब है 9 बज गए। तो इस 4 घंटे में, तो 4 भी घंटे कहाँ सोया हूँ, आगे अब आधा घंटा फिर फ़ोन भी चलाता हूँ, आदत ही ऐसी है। बहुत शौक़ था कि मैं ब्लैक कलर के कपड़े में डालूँ, ब्लैक कलर में मतलब मेरे को मैं अच्छा लगता हूँ, या जो भी है, मेरे को ब्लैक कलर बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा अब भी लगता है, बट ये होता था कि चल यार ब्लैक कपड़े डाल लूँ वहाँ पे, ऐसा होता था। अब क्या है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, सब कुछ ब्लैक है। अभी हम अपनी मर्जी से नहीं डाल रहे, अभी हमें डलवाया जा रहा है। तो जो बहुत सारे लोगों को जो शौक़ होता है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, थोड़े दिन हम आगे कनाडा में आके उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है ब्लैक कलर के कपड़े ऑलमोस्ट हर जगह पे। हाँ, अभी इतने ब्लैक 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 कपड़े डाल लिए। उतरी मुझको वैसे डर लगता है यार कुत्तों से। तो ब्लैक ब्लैक कपड़े इतने डाल लिए और ब्लैक गाड़ी। हाँ, अपने इंडिया में क्या होता है ज़्यादा ना, वाइट कलर की गाड़ी का ट्रेंड होता है, यहाँ पे वाइट कलर की गाड़ियाँ बहुत कम दिखेंगी। चल एक होगी, ये भी नहीं वाइट, वो भी नहीं वाइट, वो भी नहीं वाइट, एक वो होगी सामने, दो जा रही है, उनमें से कोई वाइट नहीं। ये है मेरी पहली जॉब जहाँ मैं काम करता हूँ, 8:56। चलो ये मेरे को खुलना पड़ेगा आज, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा इंडियन काम करता है, ये है वो, बाकी और कोई भी यहाँ पे इंडियन काम नहीं करता। दो हैं, एक वो और एक मैं। एंड ही इज टू इट, हाइज टू इट। करूँगा अपना वो ब्रेड खाता हूँ, देन दोबारा शिफ्ट पे। गाइस बैक टू वर्क, काम करते हैं इस पे, क्या नाम है, काउंटर्स पे। गाइस
पहले शिफ्ट से हो गई है छुट्टी। पहले इन्होंने मुझे कहा कि वैसे मैं छुट्टी 1 बजे होनी थी, सुपरवाइजर बोली कि 2 बजे कर लियो, आज एक लड़की नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उस तरह कुछ देखने में गलती हो गई थी शेड्यूल। तो अब जस्ट 1 ही बजा है, तो उसने कहा इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, तो ठीक है आई एम ऑलवेज रेडी टू गो। फिर ये अब मेरी शिफ्ट अगली है 4 बजे, बट बस है उसमें, मुझे बस से आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लगेगा 1.5 घंटा। सो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने नींद नहीं ली है। थोड़ा सा खाऊंगा, फिर थोड़ा 1 घंटा सोऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। मैं आ गया अब शिफ्ट से, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, जतिन मेरे लिए रोटी बनाएगा। और ये रखिए, ये बनाएगा सब्जी, तो ही बनाएगा ना, तो ही बनाएगा सब्जी। वाह, चलो भाई मैं सोता हूँ थोड़ी देर, तो मैंने जाना है थोड़ी देर में दोबारा। मैं हूँ डैडी दोबारा उठ के। मैंने ब्रेक में ब्रेड अपना खाया नहीं था, सो ये मैं अब खा रहा हूँ। जैसे मेरे को रोटी बना के देगा वो मैं रात को खाऊँगा, या वहाँ जाके खाऊँगा, लेट्स सी। जस्ट नींद आ रही बड़ी गंदी। सो यस गाइस, अगेन सेपुन है बाहर बैग टांग के, पर इस बार ये न्यू है। एक चीज़ और है, वो भी है ब्लैक ही, बट सिर्फ ब्लैक। खैर जहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ है नहीं यूनिफॉर्म का, पर स्टिल मेरे पास है ही ब्लैक, क्योंकि मेरे को ब्लैक अच्छी लगती है, तो मैं ब्लैक लेके आया था। सारा कुछ ब्लैक, ये जैकेट ब्लैक, ब्लैक जो नए शूज़ लिए मैंने यही ब्लैक लिए, यूनिफॉर्म ब्लैक है। तो अभी बस आने वाली है, बस आएगी 2:33 पे, दिस इज 2:31। सो अभी 2 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। सामने बादल क्या खतरनाक लग रहे हैं ना। सो अभी 2 मिनट बैठता हूँ, मैं थका पड़ा हूँ, नींद भी आ रही है। इस बस में से उतरे, अब जाना है नेक्स्ट बस के लिए। ये जैकेट डाल ही लगा इससे तो अच्छा यार। अभी जाना है दूसरी बस के लिए, वो भी सामने वाले बस स्टॉप पे हमें जाना है। उधर वो आगे से ले जाएगा सवाले, उठेगा तू रुक जा, हाँ तू अच्छा बच्चा है। फाइनली मैं उतर गया हूँ अपने लास्ट स्टॉप पे, उधर है जहाँ मैंने जाना है फाइनल। मैं सो गया अभी 10 मिनट, और भूख लग रही है, सुबह का सिर्फ एक ब्रेड खा रखा है। अब देखता हूँ यहाँ क्या करूँगा जुगाड़। अब यहाँ से मेरी छुट्टी होनी है रात को 8:30, 8:30 के बाद फिर 8:30 बजे फिर बस पकड़ूंगा वहाँ से, फिर मेरे को 1.5 घंटा लगेगा। अभी 1.5 घंटा लगा, 2:30 बजे निकला था, 4 बज चुके हैं, 5 मिनट बाकी हैं। रात को वैसे ही होगा, 8:30 बजे निकलूँगा यहाँ से, 10 बजे पहुँचूँगा घर। हाँ जी गाइस, मैं अब आ गया हूँ अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके, पिज़्ज़ा स्टोर से पिज़्ज़ा लेके। भाई भूख लग जाती है, सो मैं ऑलमोस्ट जब भी पिज़्ज़ा स्टोर पे शिफ्ट पे आता हूँ तो पिज़्ज़ा या कुछ खाने का लेके ही आता हूँ, क्योंकि अब जाने में लग जाएगा 1.5 घंटा, और 4 घंटे अगर खड़े खड़े तो भूख लग जाती है। सो ये रहता है अपना। अब टाइम हो रहा है अब 8:45 पे बस आनी है, और मैं पहुँचूँगा अब घर कुछ 10:05 पे। बीच में बस में ही खा लूँगा पिज़्ज़ा। सो बस बैठा हुआ बस में, अगला स्टॉप है 15 मिनट बाद मैंने बस चेंज कर ली, मैं खा लूँगा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा दिखाता हूँ आज मैंने अपने आप बनाया अपने लिए। खैर इसमें मैंने सॉस डाल रखी है ऊपर से खुद, ताकि दोबारा ना लगानी पड़े। प्लानिंग
प्रॉपर्टी चेंज, भैया और आए हूँ शॉपिंग करने, पास में थे तो मैंने सोचा उनके साथ ही चला जाऊँगा। तो अभी जाऊँगा मैं इनके साथ अंदर, फिर अंदर उनका उनसे समा मतलब वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, देखते हैं ढूंढता हूँ उनको कहाँ है। ये रहता है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, हर दिन ऑलमोस्ट अलग अलग शेड्यूल रहता है। आज मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ऐसे काम से ग्रोसरी के लिए चला जाऊँ, समटाइम्स होता है। सो आज हुआ बिल्कुल नींद आ रही है बड़ी भयंकर। सो ऐसे रहता है दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।